नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट के पदों पर निकाली गई भर्तियां। बिहार में बीते दिन धूमधाम से मनाई गई होली। सीएम नीतीश का गृह जिला नालंदा में बढ़ते अपराध पर राजद का निशाना। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा के रिजल्ट की हुई घोषणा। भारत में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट के पदों पर निकाली गई भर्तियां। पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर से टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। पटना हाईकोर्ट की भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.patnahighcourt.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2022 है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के इस भर्ती अभियान में कुल 30 व्यक्तियों को भरा जाना है। इनमें से 12 रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आरसी प्रसाद सिंह की। मैथिली और हिंदी के महाकवि आरसी प्रसाद सिंह यौवन और प्रेम के कवि के रूप में विख्यात थे। बिहार के चार नक्षत्रों में वियोगी के साथ प्रभात और दिनकर के साथ आरसी सदैव याद किए जाएंगे। आरसी बापू का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के एरौत गांव में हुआ था। आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविताओं में माटिक दीप, पूजाक फूल, मैथिली काव्य संग्रह सूर्यमुखी, कागज की नाव और अनमोल वचन जैसे लेख शामिल है। बिहार में बीते दिन धूमधाम से मनाई गई होली। बिहार में इस बार होली का त्यौहार कई मायनों में खास रहा। पहले तो कोविड-19 के 2 साल के असर के बाद इस बार लोगों ने खूब होली मनाई। बिहार में भी इसका खास असर देखने को मिला। सुबह से ही होली का खुमार लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ रहा। रंगों का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस त्यौहार को बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हुए और फिर गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। बिहार के कई जिलों में लोग होली के जश्न में डूबे हुए दिखाई दिए। कहीं बच्चों के कुर्ताफार तो कहीं पर युवकों की कीचड़ वाली होली देखने को मिली। बेगूसराय समेत कई जिलों में मटिहानी विधायक के आवास पर भी होली गीतों पर जमकर नाच दिखा। अगले 48 घंटे में पारा पहुंचेगा 40 डिग्री के पार। बिहार में मौसम की अटखेलियां लगातार जारी है। होली के समय में जहां अभी से पहले आपको याद हो तो सामान्य रूप से गर्मी का हल्का फुल्का असर देखने को मिलता था, लेकिन इस बार होली के मौके पर तेज गर्मी देखने को मिली। इतना ही नहीं, अगले 48 घंटे में तो बिहार का तापमान 40 डिग्री तक जाने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अभी फिलहाल 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। वहीं अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। ऐसे में प्रदेश का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार भी जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने निकाली रिक्तियां। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने फोटोग्राफर, वैज्ञानिक उपनिदेशक, सिस्टम विश्लेषक, सहायक कार्यकारी अभियंता, तकनीकी अधिकारी, वरिष्ठ व्याख्याता, सहायक संपादक के कुल मिलाकर 45 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। वहीं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के सभी जिलों में पराली से चारा ब्लॉक बनाने की योजना का होगा विस्तार। बिहार के 11 जिलों में पराली से उपचारित चारा ब्लॉक बनाने की योजना का विस्तार हर जिले में होने वाला है। कृषि सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। इस साल राज्य के 11 जिलों में कंफर्ट के पराली प्रबंधन का काम चल रहा है। इसके तहत ही अब तक सभी 11 जिलों की कृषि विज्ञान केंद्र ने 315 टन चावल का संग्रह किया। 153 साल कंप्लीट इसकी खरीदारी हुई है, लेकिन अभी उसकी मांग काफी अधिक है। इस योजना का विस्तार दूसरे जिलों में भी करने का निर्देश दिया गया है। पराली से चारा ब्लॉक बनाने की योजना का पायलट प्रोजेक्ट सफल हुआ तो सरकार ने इसके विस्तार की योजना को लेकर अधिकारियों को टास्क भी दे दिया है। इस नई व्यवस्था में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने इस मॉडल के जनक रोहतास के अलावा पटना, नालंदा, भोजपुर के अलावा बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और बांका जिले के कृषि विज्ञान केंद्र का लक्ष्य भी तय कर लिया है। लिपि सिंह के नाम से ट्विटर पर बना एक फर्जी अकाउंट। बिहार की महिला आईपीएस लिपि सिंह विवादों में अक्सर उलझी रहती है। हालांकि इस बार विवाद उनके ट्विटर अकाउंट को लेकर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी लिपि सिंह के नाम से ट्विटर पर एक फर्जी अकाउंट चलाने के नाम पर रिपोर्ट दर्ज की गई। एसपी के नाम पर ट्विटर अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने की खबर सामने आई है। मामला सामने आते ही एसपी के निर्देश पर सदर थाना में इस बात की जानकारी दी है और आईटी एक्ट के तहत कांड संख्या 220/2022 दर्शी गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। एसपी लिपि सिंह के नाम पर चलाए जा रहे फर्जी अकाउंट पर भी पुलिस अधीक्षक ने 2500 से अधिक लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ऐसी बात की जानकारी दी है।
सीबीएसई टर्म वन परीक्षा के रिजल्ट की हुई घोषणा। सीबीएसई 12वीं टर्म वन परीक्षा के रिजल्ट 2021 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 19 मार्च 2022 को कक्षा 12वीं के टर्म वन के नतीजे घोषित कर दिए, जिसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 1 से कक्षा 10 का परिणाम पिछले सप्ताह ही ऑफलाइन मोड में जारी किया था, जिसके बाद ही अब एक बार फिर से 10वीं की तरह ही कक्षा 12वीं के परिणाम को ऑफलाइन मोड में जारी करने पर छात्रों को मार्कशीट प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। इसके बाद ही अब छात्र सीबीएसई कक्षा 12वीं के स्कोर कार्ड cbse.gov.in या फिर cbse.results.nic.in पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। मधुबनी के सौराठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधुबनी का सौराठ जगह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ से लाई गई है। सौराठ का नाम भी गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता जुलता है। सोमनाथ में शिवलिंग लाए जाने के साथ ही साथ अगर स्थानीय लोगों की माने तो इसके कारण ही इस जगह का नाम सौराठ पड़ा है, जो सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश है। दूसरी है प्रसिद्ध सौराठ सभा में शादी के लिए इच्छुक वरवधु के परिजन जुटते थे। आषाढ़ में लगने वाले इस सभा में प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों ब्राह्मण पहुंचते थे। इसमें वैवाहिक संबंध तय होते थे, बिना किसी तामझाम और दहेज के शादी होती थी। इस सभा की शुरुआत तत्कालीन राजा हरि सिंह देव ने लगभग 700 साल पहले 1310 ईसा में की थी। हालांकि यह सभा पहले की तरह नहीं रही, परंतु अब भी इस प्रथा को वहां के लोगों द्वारा जिंदा रखा गया है। राजधानी पटना में बनेगा इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर यानी कि साउथ कैंपस में खेल मंत्रालय की तरफ से खेलो इंडिया के तहत एक राष्ट्रीय स्तर का मल्टीपर्पज हॉल यानी कि इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इसको बनाने को लेकर के अभी से तैयारियों को तेज कर दिया गया है। उक्त भवन के निर्माण के लिए फंड मंत्रालय ही देगा, जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मोनियोलक स्टेडियम से ठीक सटे यह निर्माण होगा, जिसके लिए पहले फेज में 5-5 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन हुई है। यह एक तरह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह होगा, जिसमें आम छात्र छात्राएं भी इसका लाभ ले सकेंगे। तेज प्रताप यादव की हुई शानदार होली। बीते दिन होली के मौके पर भले ही राबड़ी आवास पर कोई हलचल देखने को नहीं मिली हो, लेकिन तेज प्रताप यादव जरूर होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन पर होली का रंग चढ़ गया है। होली के मौके पर उन्होंने दोस्तों के साथ पूरा आनंद उठाया। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने रंग लगाया बल्कि फगुआ भी आ गया ऐसी गीते गाई हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव दोस्तों के साथ बैठक कर होली के अवसर पर चर्चित गीत बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में होली खेले गाते देखे गए और रंग और रंगीन माहौल को बनाते देखे गए। उनके साथ दोस्तों ने भी उनका खूब साथ दिया, वो भी मिलकर उनके साथ फगुआ गाते हुए दिखे। उस दौरान उनके एक दोस्त ने कहा कि बहुत मजा आ रहा है, हम लोग हर साल ऐसे होली खेलते और काफी मजा आता है। बोझा उपचुनाव को लेकर के एनडीए में दिखा कलह। बिहार की एनडीए सरकार के अंदर मुजफ्फरपुर की वजह से विधानसभा सीट को लेकर विवाद उठ गया है। भाजपा ने बोझा उपचुनाव में जहां बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने इस मामले को छोड़ने के मूड में ये नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह पूर्व दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान का वीआईपी से होना है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने सहनी पर तंज कसा है। पार्टी के राज्य प्रवक्ता ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सदन के अंदर तेजस्वी ने उनके रिचार्ज कूपन होने की बात कही है। राजद के बिहार प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने वीडियो ट्विटर पर लिखा कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि मुकेश सहनी जी सुन लीजिए, आपका रिचार्ज कूपन रिचार्ज हो पाएगा, बुरा न मानो होली है। लालू प्रसाद यादव की बेटी का मुंह नोचने की बात जीतन राम मांझी की बहू ने कही। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और जीतन राम मांझी की बहू के बीच की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई बार दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है, वहीं इस बार एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। होली के मौके पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मुंह नोचने तक की बात कह दी। हाल ही में राबड़ी देवी द्वारा अशोक चौधरी को दलाल कहे जाने पर यह सारा विवाद जो है वो शुरू हुआ है। इसको लेकर ही जहां रोहिणी आचार्य ने पहले पलटू राम का उन्हें दर्जा दिया, जिसके बाद ही दीपा मांझी ने भी भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए अपने ट्विटर में रोहिणी को सिंगापुरिया संबोधित किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान दलितों को अपमानित करने वालों का मुंह नोच लेने की बात भी कही। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार के नीतीश सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कई कवायद की है, जिसमें बिहार सरकार लगातार ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटरबोट के बाद स्निफर डॉग को भी इस काम में लगाने की तैयारी कर रही है। यानी कि अब शराब तस्करों पर हर हाल में नकेल कसने का प्रयास किया जाएगा। इसके बावजूद नालंदा जिले के प्रखंड में सीएम नीतीश के पहुंचने से पहले ही वहां पर एक शराबी के पहुंचने का वाकया मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जो वहां पहुंचकर पुलिस वालों को गाली दे रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसको लेकर ही राजद
नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास सबूत खुद चलकर पहुंचा है, इसलिए कहता हूं कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्पेशल प्लान और प्लेन से भी शराब खोजने की नौटंकी हो रही है, लेकिन यहां शराबी आसानी से मुख्यमंत्री जी की सभाओं में जश्न मनाते हैं। भारत में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान। जापान आने वाले समय में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पीएम फुमियो किशिदा की भारत से पुरानी दोस्ती रही है। जब वो जापान के विदेश मंत्री थे तब मुझे उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जापान के बीच आर्थिक साझेदारी में प्रगति हुई है। जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। भारत जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर वन टीम वन प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि भारत और जापान एक सुरक्षित विश्वसनीय आशा के अनुरूप और स्थायी ऊर्जा आपूर्ति के महत्व को समझते हैं। सच्चिदानंद रॉय वापस नहीं लेंगे अपना नामांकन। बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। इस बीच बिहार के सारण जिले से भाजपा के लिए खुशखबरी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बागी बने सच्चिदानंद रॉय एमएलसी चुनाव से अपना नाम वापस लेंगे। हालांकि ये खबर तेजी से मीडिया में तो फैली, लेकिन सच्चिदानंद रॉय ने इसे खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद रॉय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कोई दूसरा कौन होता है ये फैसला लेने वाला। सच्चिदानंद रॉय ने एबीपी न्यूज से कहा कि भाजपा के लोग बताएं कि आखिर उनका टिकट कैसे कटा, किसी की हिम्मत नहीं है कि समझा दे या बिठा दे, तो नाम वापस लेने जैसी कोई भी बात नहीं है, ये सभी बातें बेफिजूल है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के 136वां स्थान पर पहुंचने पर राहुल गांधी ने कसा तंज। हाल ही में वैश्विक रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 136वां स्थान मिला है। इसके बाद ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि संभव है कि जल्द ही भारत और आक्रोश में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके बाद उन्होंने महंगाई के संदर्भ में भी ट्वीट कर कहा कि ये महंगाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से अधिक है। खाद्य वस्तुओं की कीमत में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। COVID-19 ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। ऐसे में भारत सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को महंगाई से बचाना चाहिए। आज शरद यादव राजद के साथ करेंगे विलय। आज का दिन राजद के लिए बेहद ही खास होने की उम्मीद है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को लालू तेजस्वी यादव की पार्टी राज्यसभा भेजने की कवायद कर सकती है। शरद यादव इन दिनों गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। इस साल जुलाई में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 2 सीट भाजपा, 1 सीट जदयू और 2 सीट राजद के पास जाएंगे। इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात भी शरद यादव से दिल्ली में हुई थी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार तेजस्वी ने शरद यादव को राज्यसभा भेजने का आश्वासन भी दिया। दूसरी तरफ शरद यादव अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय 20 मार्च को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ कर सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार साल 2018 में अपनी पार्टी का गठन जदयू से अलग होकर करने वाले शरद यादव आज राजद का दामन थाम सकते हैं। सीएम नीतीश का गृह जिला नालंदा में बढ़ते अपराध पर राजद का निशाना। बिहार के नालंदा में बढ़ते अपराध ने आम लोगों से लेकर पुलिस तक परेशान है। जिले में क्राइम कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा घटना में 24 घंटे के भीतर अलग अलग थाना क्षेत्र में 4 लोगों की जान लेने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। राजद नेता शक्ति सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर ही निशाना साधा है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि होली उत्सव का त्यौहार है। वहीं नालंदा विधानसभा क्षेत्र में जान लेने का सिलसिला जारी है। कराए पर सुराय थाना क्षेत्र के नेशरा गांव में, हलसा थाना क्षेत्र के नधा गांव में तेजाब छिड़क करके हमले किए जा रहे हैं और कई जगहों पर लोगों की जान लेने जैसी वाकया की गई है। प्रबलपुर थाना क्षेत्र अलमा गांव में दिन दहाड़े होली के दिन जान से मारने की कोशिश की गई है। पूरी तरह से शासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुका है। अब आसानी से बचाए अपने लैपटॉप की बैटरी लाइफ। ऑनलाइन और डिजिटल कि इस दुनिया में लैपटॉप का इस्तेमाल भी करते ही होंगे। कई बार काम करते करते आपके लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो जाती होगी और काम बीच में अटक जाता होगा। ऐसे में आप भी जरूर सोचते होंगे कि काश आपकी बैटरी लाइफ कुछ ज्यादा घंटों तक काम कर रही होती। आपकी इन्हीं परेशानियों का हल विंडोज 11 के पास है। इस सॉफ्टवेयर में कई खूबियां हैं। खास बात तो यह है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो, और इससे भी कमाल की बात यह है कि फीचर बैटरी मैनेजमेंट को मिलता है, यानी कि अब आपका लैपटॉप आपके मोबाइल की तरह बैटरी सेवर ऑप्शन के साथ काम करेगा। इसके लिए आपको नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा लैपटॉप में ही विंडोज 11 पर काम करना शुरू कर दीजिए।
कोविड 19 की चौथी लहर की संभावना बेहद कम। कोविड 19 की तीन लहरों ने भारत समेत विश्वभर का काफी नुकसान किया है, जिसके कारण लोगों को चौथी लहर का डर भी सताने लगा है। हालांकि इन सबके बीच एक राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत ही कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड 19 की चौथी लहर के आने की संभावना बहुत कम है। प्रतिष्ठित वायरोलॉजिस्ट और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर टी जैकब जॉन ने शनिवार को कहा है कि कोविड 19 की चौथी लहर की संभावना कम है। हालांकि उन्होंने अलर्ट रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एएनआई से बात करते हुए डॉक्टर जॉन ने कहा है कि कोविड 19 की चौथी लहर की संभावना बहुत कम है, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोविड 19 की चौथी लहर की भविष्यवाणी करने का कोई वैज्ञानिक कारण भी नहीं है, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह का बढ़ा कार्यकाल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह का एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एसीसी की शनिवार को हुई वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। एसीसी ने ट्वीट में लिखा है कि एसीसी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि एसीसी अध्यक्ष के रूप में जय शाह का कार्यकाल और कार्यकारी बोर्ड के साथ साथ उनकी समितियों का कार्यकाल 2024 तक जारी रहेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में जान गई। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 में स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत पर नादिर शाह ने 1739 में कब्जा किया। सी एफ एंड्रूज महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए 1904 में भारत आए। 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में पराजित हुई थी। गौरैया नाम की चिड़िया को बचाने के लिए 2010 में पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत का 1987 में जन्म हुआ था। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह का जन्म 1615 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार खुशवंत सिंह का निधन 2014 में आज के दिन हुआ था। इस वजह से लॉक हुई कई लोगों के एफबी अकाउंट। यदि आप सोच रहे हैं कि आज आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक अपने अकाउंट में फेसबुक प्रोटेक्ट को एक्टिवेट नहीं किया है। दरअसल मार्च की शुरुआत में फेसबुक ने योर अकाउंट रिक्वायर्स एडवांस सिक्योरिटी फ्रॉम फेसबुक प्रोटेक्ट शीर्षक से एक ईमेल भेजना शुरू किया था, ताकि उपयोगकर्ता को एक निश्चित तारीख तक अपने अकाउंट में फेसबुक प्रोटेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए कहा जा सके, अन्यथा उनके अकाउंट्स के लॉक होने का जोखिम होगा। अपने प्रोडक्शन हाउस से अलग हुई अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा जल्द ही बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। वो आखिर बार पर्दे पर 2018 में आई जीरो में नजर आई थी। फैंस उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच उनके प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स से अच्छी प्रोजेक्ट्स आए हैं। उन्हें ओटीटी पर रिलीज किया गया और दर्शकों ने उसे पसंद भी किया। प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत अनुष्का और उनके भाई किरणेश शर्मा ने मिलकर की थी। परिवार और एक्टिंग की जिम्मेदारियों के बीच अनुष्का ने एक पोस्ट लिखकर बताया है कि वो प्रोडक्शन हाउस से खुद को अलग कर रही हैं और इसका जिम्मा पूरी तरह से अब उनके भाई संभालेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है इरफान ऑफिशियल, दुन्नू कुमार, साजन कुमार, बीरेंद्र कुमार गुप्ता, एसके एंटरटेनमेंट सोनू, राजमोहन प्रसाद, मोहम्मद फैजान, सचिन कुमार, अर्जुन रजक, अरुण कुमार, प्रकाश सिंह। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपकी होली कैसी भी थी? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।